अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, अगर पाकिस्तान के शहर बलूचिस्तान का विज़िट करना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा 10 बेहतरीन पिकनिक पॉइंट। ये वीडियो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होगी, तो चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर एक पर है ज़ियारत। ज़ियारत बलूचिस्तान का सबसे ठंडा इलाका है और ज़ियारत ही वो इलाका है जहाँ कायद आज़म के आखिरी अय्याम गुजरे थे। यहाँ पर कायद आज़म रेजिडेंसी है, जहाँ विज़िट करने के लिए लाखों लोग मुल्क भर से यहाँ पे आते हैं। इसके अलावा यहाँ सनोबर के जंगलात हैं, जो इसे और भी हसीन बना देती है। नंबर दो पे आता है क्वेटा। क्वेटा बलूचिस्तान का सबसे कदीम शहर है। क्वेटा की अगर मार्केट्स की बात करें तो यहाँ दो बड़े मार्केट्स भी है, जो कि सूरजगंज बाज़ार और लियाकत बाज़ार के नाम से जाने जाते हैं। सर्दियों के मौसम में जब यहाँ बर्फ़बारी होती है तो मुल्क भर से लोग यहाँ विज़िट करते हैं। नंबर तीन पर आता है मौला चटुक। ये खुजदार शहर से तकरीबन एक घंटे की दूरी पर वाकया है। यहाँ पहुँचने के लिए आपको 4x4 गाड़ी की ज़रूरत पड़ती है, जो कि आपको खुजदार शहर से बाय आसानी मिल सकती है। मौला चटुक एक बेहतरीन पिकनिक पॉइंट है। यहाँ पहाड़ों के बीच में एक वाटरफॉल है। इसके अलावा पहाड़ों के बीच में बहता हुआ पानी एक खूबसूरत मंज़र पेश करता है। यही वजह है कि मुल्क भर से हज़ारों लोग यहाँ विज़िट करते हैं। नंबर चार पे है हन्ना झील। हन्ना झील क्वेटा से 40 मिनट की दूरी पर है। हन्ना झील एक बेहतरीन झील है। यहाँ जब बारिशों के मौसम में पानी जमा हो जाता है तो ना सिर्फ क्वेटा से बल्कि मुल्क के दीगर हिस्सों से भी लोग यहाँ विज़िट करते हैं। ये बलूचिस्तान की बेहतरीन पिकनिक पॉइंट में से एक है। नंबर पाँच पे आता है पिरगैब। पिरगैब बलूचिस्तान के ज़िले बोलान में वाक़ है, जो कि क्वेटा से तकरीबन 2.5 घंटे की दूरी पर वाक़ है। पिरगैब एक इंतहाई बेहतरीन पिकनिक पॉइंट है। यहाँ ऊंचे पहाड़ों से गिरता हुआ पानी ये उसे और ख़ूबसूरत बना देती है। यही वजह है कि लोग बहुत बड़ी तादाद में यहाँ आकर रुख करते हैं। इसके अलावा यहाँ की एक स्टोरी भी है, जो कि इस वीडियो में आपको बताना मुमकिन नहीं है। इंशाल्लाह फिर कभी आपसे शेयर कर लिया जाएगा। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। इस सीरीज़ का पार्ट टू इंशाल्लाह जल्दी ही अपलोड कर दिया जाएगा, और पार्ट टू देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचे।